लोहारी दरवाजे और शाह आलमी के बीच शुमाल की जानिब एक सड़क अंदरूनी शहर को जाती है। ये बाजार उस खुली गली से जा मिलता है जो लोहारी चौक के चौक चकला से शुरू होकर शाह आलमी से जा मिलता है। अंदरूनी शहर का ये इलाका पापड़ मंडी कहलाता है। यहाँ अरसा दराज से पंसारियों की दुकानें हैं। एक मखसूस खुशबू इस इलाके में रची बसी है। बड़े बूढ़े और हकीम लोग पापड़ मंडी में घूमते फिरते नजर आते हैं, जो अपने नुस्खों के हिसाब से अशिया खरीदते दिखाई देते हैं। शीशियों और बोरियों में बंद ऐसी रंगारंग अशिया मौजूद हैं, जिनके नाम और ख्वाज से सिर्फ वही लोग आगाह हैं जो इन्हें संभालते और बेचते हैं। पापड़ मंडी के तारीखी पस मंजर से बहुत कम लोग आगाह हैं। ये बहुत पुराना बाजार है, मुगलिया दौर से पहले का है। चौक चकला से बुहारी चकले चौक तक ये बाजार हुसन हुआ करता था। अब ये आस्ता आस्ता तब्दील होते होते पंसार की मार्केट यहाँ बहुत बड़ी बन गई है। केमिकल की मार्केट है, परफ्यूम केमिकल वगैरह जो है वो काफ़ी यहाँ प्रवृत्त होते हैं। एक रवायत के मुताबिक पापड़ मंडी में कभी पापड़ भी बना करते थे, आज यहाँ एक कदीम कारोबार हो रहा है। इस मंडी के बाजार में पुराने मकान अपने चौबारों से पहचाने जाते हैं। रंजीत सिंह की एहलिया मोरा के नाम से मंसूब यह मस्जिद तारीख के एक बाप की दास्तान गो महसूस होती है। ये इलाका उन लोगों के लिए अब भी बेहद पुरकशिश है जो इंसानी जिस्म के अवारिस को कुदरती जड़ी बूटियों की मदद से दूर करने पर यकीन रखते हैं। अपने पुरानेपन और इंफरादियत के बाइस पापड़ मंडी शहर का हुस्न है। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा अख्तर हयात सिटी 42।